इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा फूडी बनने वाला है क्योंकि नासिक में पिज्जा बर्स चल रहा है. आई डोंट नो पिज्जा बर्स्ट क्या होता है, बट पिज्जा बर्स्ट इसे नाम दिया है. वहां पे अनलिमिटेड फूड मिल रहा है तो हम वहीं पे जाएंगे, छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाएंगे. आई होप सो आज का ब्लॉग आपको जरूर पसंद आएगा. तो सब बातें होते छोड़ देते हैं और अपने ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं. तो लेट्स गो. सो वेल, पिज्जा बर्स के इधर हम फाइनली आ चुके हैं और इसका जो लोकेशन है विद्या विकास सर्कल के पास सागर स्वीट है, तो उसके साइड में ही आपको पिज्जा बर्स का बड़ी सी नेम प्लेट दिखेगी और 199 रुपीज में अनलिमिटेड आपको फूड मिलने वाला है. तो देर ना करिए और 5 दिन चलने वाला है और वीडियो को एंड तक देखिएगा. आई होप सो आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा. तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स गो. सो वेल, पिज्जा बर्स का ये है मेनू कार्ड और मेनू कार्ड में उन्होंने दिए है अनलिमिटेड फूड क्या क्या मिलता है. जस्ट लुक, 2 टाइप्स के आपको यहाँ पर सूप मिल सकते हैं, 8 टाइप्स के हॉट स्टार्टर्स, 20 टाइप्स के फ्लेवर स्टार्टर्स, 1 टाइप के सैंडविच, ऐसे बहुत ही ज्यादा है. हर तरह के प्राइजेस अलग अलग है, बट आपको जो खाना है ओनली 199 रुपीज में आप कुछ भी खा सकते हो. तो मैंने मेन्यू कार्ड में कुछ देखा नहीं, गई और सीधा अपने प्लेट में जो खाना चाहिए था आप वो ले सकते हो. तो मेन्यू कार्ड देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको जो चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हो या फिर ले सकते हो. अपना खाना आप खुद ही लेना पड़ता है वहाँ पे जाके. सो वेल, आप क्राउड की आवाज सुन ही सकते हो कितनी भीड़ थी वहां पर. यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पास्ताज मिल सकते हैं, पाव भाजी भी मिल सकती है. आई थिंक ये टोस्ट था, ब्रेड स्टिक बोलते हैं इसको, आई थिंक ब्रेड स्टिक या राइट, ब्रेड स्टिक ही है. तो अलग अलग तरह के व्हाइट पास्ता थे, टमाटो पास्ता था. एक्चुअली मुझे पास्ता के नाम नहीं पता है पर मैं कलर वाइज या टेस्ट वाइज मैं आपको बता रही हूँ. तो अलग अलग तरह के मुझे पास्ता वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिले और कुछ फ्रूट्स भी थे, वाटरमेलन था. और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, इसके आगे क्या मिलता है आपको, इसके आगे फिर से अगेन पास्ता आपको मिलता है. ओ माय गॉड, यहाँ पे मैंने बहुत पास्ता खाया है और बहुत सारी डिशेस थी. वेल, राइस था यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें चिकन का फ्लेवर आ रहा था. और इसके बाद नूडल्स थे. नूडल्स तो मैं रोज ही खाती हूँ तो मुझे पसंद नहीं है नूडल्स, तो इतना सारा मैंने था तो इस बंदे ने लिए है, इतना ही फूड लिया हुआ है इसने तो. भाई ये नूडल्स भी ले रहा है, ओके कोई नहीं कोई नहीं.
मैंने अपने प्लेट में इतना ही ले लिया है, राइस ले लिया है, 3 टाइप्स के पास्ता ले लिया है, एक ब्रेड ले लिया है, कॉर्न ले लिया है और हॉर्स ग्राम ले लिया है जो बॉईल किए होते हैं, बट वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। वेल, अब थोड़ा सा खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं।이건 절대 게으름 피우는 게 아니라는 거야. 무슨 말을 해도 핑계처럼 들릴 테니까 일단은. Baby, I love you. Baby, I need you. 이렇게 아무것도 안 해도 좋은 걸. Oh, I can't leave you. 메이스가 보스 모던 डेजर्ट खाने के बाद हमारा टम्मी जो था वो बहुत ही ज्यादा भर गया था। डेजर्ट आपको एक ही टाइम मिल सकता है, मतलब आइसक्रीम आपको एक ही टाइम मिल सकता है, और मेरा जो टम्मी था वो बहुत ही ज्यादा फुल हो गया था। तो हम दोनों का बिल इतना आ गया है, 418 आ गया है, आई थिंक 18 रुपीज GST का लगवाया होगा। तो यहाँ पे इतना अच्छा ब्यूटीफुल व्यू था, तो यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, और बाहर मस्त बारिश चल रही थी। और इसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो गया, हम घर पे जाते हैं। ज़्यादा देर बैठना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नीचे जो लोग थे वो वेटिंग पे थे। आई होप सो आज का व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब। तो अभी हम आज का व्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।